स्टूडेंट लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 3 cot x -√3 इसका प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो यहां लिखेंगे पहले 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेगा cot x इज इक्वल्स टू ये माइनस cot cot में √3 किसकी वैल्यू होती है cot 30 की इट विल बी पाई बाय 6 क्लियर अब हमने चेक ही करना है कि कोट जो होता है वो माइनस का कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कोट माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में हाउ वी कैन मूव इट विल बी कोट पाई माइनस पाई बाय 6 और कोट 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्लियर कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कोट तो पॉजिटिव होते हैं ओके तो बन गया cot x is equals to cot 5 pi by 6 और cot 11 pi by 6 ये x is equals to बन गया 5 pi by 6 और 11 pi by 6 क्लियर दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाउ फोर जनरल सॉल्यूशन You have to convert it in 10. So cot x is equals to minus root 3. So you can convert it 1 upon 10x is equals to minus root 3 over 1. Do reverse. 10x is equals to minus 1 upon root 3. Clear? You can convert it here. 10x is equals to minus 10. 1 upon root 3 10/30 की वैल्यू होती है 10/30 हो गया आपका पाई बाय 6 फिर से हमने चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव निकलेगा तो ये निकलेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसे तो बन जाएगा 10 5 पाई बाय 6 जनरल सॉल्यूशन पॉजिटिव में निकालते हैं हम 10x तो x इज इक्वल्स टू हो गया 10 में इक्वेशन n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे ओके ये जनरल सॉल्यूशन बन गया इसका नाउ फोर्थ क्वेश्चन में cos x इज इक्वल्स टू माइनस 2 फोर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इट विल बी cos x माइनस कौन से क्वाड्रेंट में ये 2 किसकी वैल्यू होती है cos में cosec 30 की तो इसको हम लिख लेंगे cosec पाई बाय 6 अब ये चेक करना है cosec कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया यहां पे cosec थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 और सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे cosec 2 पाई माइनस पाई बाय 6 ये बन जाएगा आपका cosec x is equals to cosec 6 pi plus 1 7 pi by 6 और cosec 6 to the 12 12 में से pi जाएगा 11 pi by 6 यानी x is equals to 7 pi by 6 और 11 pi by 6 now 4 general solution जनरल सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे अब फिर से cosec x को sin में कन्वर्ट कर लो तो 1 upon sin x is equals to minus 2 upon 1 do reverse sin x is equals to minus 1 by 2 sin में 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है minus sin pi by 6 यानी 30 की वैल्यू होती है अभी माइनस में आ रहा है जनरल सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव में निकलता है तो sin जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो हम इसको लिख सकते हैं sin x is equals to sin pi plus pi by 6 third quadrant move कर गए तो बन गया sin 7 pi by 6 sin x but general solution होता है x equals to n pi plus minus 1 power n y by 7 pi by 6 ये इसका general solution आएगा इस तरीके से आप solve करें okay student